एक तरफ बीजेपी पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि ममता के करीब 60 विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है। एनसीपी ने दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। विरोधी पार्टियों को तोड़कर अपने पक्ष में करने की कला तो बीजेपी में है ही, और इसी नीति को बीजेपी ने कई राज्यों में अपनाया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, हर जगह बीजेपी ने विपक्ष के विधायकों को अपने पाले में करके अपनी सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी की ये नीति महाराष्ट्र में धराशायी होती दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी के नेता ही पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में मिली करारी हार के बाद तो पार्टी छोड़ने की तैयारी करने वालों की सूची बन गई है। महाराष्ट्र सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी कोटे से मंत्री जयंत पाटिल ने दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी के 10 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं और वो कभी भी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं, बस पार्टी मुखिया का इशारा होना है। जिस दिन शरद पवार आदेश देंगे उसी दिन बीजेपी के 10 विधायक एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में ये निर्णय लिया गया है कि यदि विपक्ष का कोई भी विधायक इस्तीफा देकर एनसीपी, शिवसेना या कांग्रेस में शामिल होता है तो अन्य दो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ उसकी उम्मीदवारी का समर्थन करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से और जय सिंह गायकवाड़ पार्टी से इस्तीफा देकर एनसीपी में शामिल हो गए थे।